न संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौज तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और बस कुछ ही क्षणों की और प्रतीक्षा और हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी होंगे, साथ ही होंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भारत सरकार, साथ ही होंगे विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंडित श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण एवं प्रभारी जिला निवाड़ी, सुश्री उषा बाबू सिंह ठाकुर जी, आदरणीय माननीय मंत्री संस्कृति पर्यटन श्री राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ होंगे, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क विभाग, साथ ही होंगे विशेष अतिथि के तौर पर माननीय विधायक निवाड़ी आदरणीय श्री अनिल जैन जी, श्री शिशुपाल यादव जी, माननीय विधायक पृथ्वीपुर श्री नंदराम कुशवाहा जी, माननीय उपाध्यक्ष पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम श्रीमती सरोज प्रेम चंद्राय जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत निवाड़ी श्रीमती निरंजना अनिल जैन जी, जनपद अध्यक्ष निवाड़ी हमारे साथ यहाँ पर होंगे, साथ ही होंगे श्री वीरेंद्र राणा जी, जिला प्रभारी निवाड़ी, श्री मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, संभाग प्रभारी हमारे साथ होंगे, श्री अखिलेश अयाची जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय श्री राहुल लोधी जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, ये सब हमारे बीच बस कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे और ये कार्यक्रम बिल्कुल आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी लाडली बहनों को 1,000 रुपए से बढ़ाकर भैया ने कितने कर दिए, कितने, 1,200, 1,250 जी हाँ, हम पूछ रहे हैं आपसे कितने कर दिए, 1,250। तो खुशी हुई है कि नहीं, बेटियों को अभी स्कूटी वितरण भी किया है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है। तो हमारे जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके भैया जी जब यहाँ आएंगे तो आपको क्या करना है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना है, जय श्री राम के नारे लगाइएगा और हमारे जो बहनों ने उनके लिए धन्यवाद लाया है वो उन्हें दीजिएगा। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज का यहाँ पर आपके बीच कुछ ही पलों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप सबके साथ होंगे। लगभग 280 लाख रुपए के लोकार्पण कार्यक्रम होंगे और साथ ही लगभग 14,350 लाख रुपए के कार्यक्रमों का शिलान्यास भी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी करके यहाँ आ रहे हैं। कुछ ही पलों की थोड़ी सी और प्रतीक्षा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर होंगे। हमारा दूसरी अयोध्या, जी हाँ, एक अयोध्या में राजा राम जी हैं और दूसरी अयोध्या हमारे लिए ओरछा है। ये हमारा एक ऐसा जिला जहाँ पे धर्म की गंगा बहती है, जहाँ पे प्रेम बहता है, जहाँ पर सहयोग और सद्भावना की यहाँ पर गंगा बही जाती है। यहाँ की मुख्य फसलों को लेकर पसंदीदा व्यंजन बनाए जाते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी जीवन शैली बेहद उन्नत तरीके से जीते हैं। बुंदेलखंड का ओरछा, जी हाँ, बुंदेलखंड की अयोध्या हमारा ओरछा, जहाँ पर श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया। आप सभी से निवेदन, कृपया कर अपना अपना स्थान ग्रहण करें, कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित होंगे। हम आपको बता दें कि लगभग 143 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से राम राजा लोक एवं 6 नवीन विकास कार्यों का आज शिलान्यास हुआ। लगभग 81 करोड़ की लागत से श्री राम राजा लोक का निर्माण होगा। 19 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से ओरछा के महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन हेतु सुविधाओं के विकास कार्य किए जाएंगे। 11 करोड़ 43 लाख रुपए लागत से पृथ्वीपुर में सिविल अस्पताल का निर्माण होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री राम राजा लोक का प्रतिकृति का अवलोकन करते हुए
बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, ओरछा लोक की, रामराजा सरकार की, जिनका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच आ गए हैं। कुछ ही समय में हमारे और आपके बीच आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ओरछा लोक की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गडकरी जी, माननीय वीरेंद्र कुमार जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर शिषपाल यादव जी, विधायक अनिल जैन जी के द्वारा की गई थी। आज उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओरछा लोक का आज भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। इसी के तदुपरांत आप सबको संबोधित करने वाले हैं। कुछ ही समय में हमारे और आपके बीच में आने वाले हैं। बोलिए, और आप साक्षी होंगे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि आज हमारे और आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओरछा लोक का भूमि पूजन किया और उसके हम और आप साक्षी हैं। बोलो भारत माता की, ओरछा धाम की, रामराजा सरकार की। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे माननीय बीच है माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, श्री अनिल जैन जी, श्री नंदराम कुशवाहा जी, श्री शिशुपाल यादव जी, सरोज प्रेमचंद राय जी, समस्त विधायकगण और निवाड़ी क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण हमारे बीच यहाँ पर हैं। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों से मिलेंगे। जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना।
है खुशियन के गहना, बढ़ चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखर है, शिवराज का वादा है। में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। तो जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखर है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का गहना। जीवन में आया है नया सवेरा, शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखर है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। जीवन में जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखर है, शिवराज दे रही का वादा है। देते हुए जल जीवन मिशन की शुरुआत करते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ज्ञान की गंगा बहाई उन्होंने, उन्होंने संकल्प दिया अपनी जल सखियों को, जल सखी दीदी लोगों को कि भाई ये जल जाएगा उनके घर घर। ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रदेश का दूसरा जिला बना हुआ है हमारा निवाड़ी क्षेत्र, जहां हर घर में जल पहुंचा हुआ है। जल जीवन मिशन की ये पराकाष्ठा है। हमारे अन्य प्रतिनिधिगण, हमारे जल जीवन मिशन की शुरुआत करते हुए ये सांकेतिक कि जल हमारा हर जगह जाएगा और हमारी जो वसुधा है वो हरी भरी होगी। ये हमारे लिए एक बेहद सौभाग्य का पल कि हमारे यहाँ हर घर में जल होगा, बहन बेटियों को बाहर नहीं जाना होगा और घर में उनको उनका जल मिलेगा। यहाँ पर लाडली बहनाएं राखी बांधते हुए अपनी भैया को SHG स्व सहायता समूह की दीदियाँ और जल सखियाँ दीदी जल संकल्प के साथ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री भैया को राखी बांधते हुए, एक ऐसा क्षण जिसके लिए वे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला जिसमें हर घर जल उपलब्ध है, ये एक ऐसे सौभाग्य की बात कि हमारे यहाँ जल की कमी नहीं होगी। जल प्रदाय योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। काशी राम राजा लो ओरछा भूमि पूजन और 300 करोड़ की जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। हमारी की आजादी का सम्मान करेंगे।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को 2025 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेज गति से कार्य हो रहा है। ये कार्य किया है, ये पुनीत कार्य किया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। हिम्मत रख के करना सब धर्म और संस्कृति की ध्वजा लेकर हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान आशीर्वाद देते उनके प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। कीर्ति कलश स्थापित किया है उन्होंने अपनी बहनों के लिए, महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी धर्म ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके भांजे आगे बढ़े पैसे की कमी से किसी तरह से दूर ना हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम उनकी बहनों को, दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि लाडली बहनें अपने भैया को पौधा भेज कर उन्हें सम्मानित करें। आप सभी को पता है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक पौधा रोपते हैं ताकि हमारा जगत हरियाला बने, आगे बढ़े और ये विश्व वसुधा हमारी हरी भरी हो। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लाडली बहने हमारी दीदी लोग करेंगी पौधा देकर। तो सभी जिज्जी हरे यहाँ आ जाएं और अपने लाडले भैया के पौधा भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। और ये पौधा जो है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अभी राम राजा लोक वाटिका में वहाँ वृक्षारोपण करेंगे इन्हीं पौधों के माध्यम से। प्रतिदिन एक पौधा बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन प्यारे भैया का। आज बुंदेलखंड की धरती में सबरी बिन्ना हरे आई हैं, सबरी जिज्जी हरे आई हैं और अपने लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री भैया से इतने मिलवे आई हैं कि भैया आज आप हमारे घर आंगन आए हो, आपको बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत ही अभिनंदन आपके लाने आज बुंदेलखंड की धरती में आए हैं। श्री राम राजा लोक को लोकार्पण भी हुआ है, भूमि पूजन सोई हुआ है। मनो जिज्जी हरे अभी पौधा दे के सब लोग अपना प्यार आभार व्यक्त करते हैं। सभी दीदियों से निवेदन हमारे माननीय अतिथियों का भी स्वागत पौधा देकर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन हमारे। अब इसके बाद हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहने हैं, एसएचजी की दीदियां हैं, 14 फीट की राखी बांधेंगी अपने प्यारे भैया को, अपने प्यारे लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री भैया को 14 फीट की राखी बांधेंगी और साथ ही देंगी हमारी जो लाडली बहनों की सेना है वो यहाँ आएंगी और साथ ही राखी की पाती भी यहाँ पर वो भेंट करेंगी और राखी का उपहार स्वरूप उनके लाडले भैया अपनी बहनों को देंगे 5 करोड़ की CCL के चेक का वितरण वो अपनी बहनों को करेंगे। जी हाँ, भैया उपहार लेके आए हैं अपनी बहनों के लिए कि बिना खाली हाथ ना जाइयो, हम आपके लाने सब कछु लाके दे हैं, ये पाती भी दे हैं। लेकिन हमारी जो दीदी हैं और हमारी लाडली बहने हैं इन एसएचजी की दीदियों द्वारा 14 फीट की राखी अपने हाथ से बनाकर अपने लाडले भैया को दे रही हैं।
वो गिफ्ट में दे रही हैं। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा संवनीय आजीविका में वृद्धि हेतु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादों को बाजार में लाया गया है। इस गिफ्ट में सरसों तेल, अचार, पापड़, बड़ी, मसाले, दीपक के रुक जाइए, रुई की बाती, ये सब उनके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं हमारी बहनें उपहार। सीधे लाडली बहना राधा यादव यहाँ आ जाएं और अपने भैया को वो धन्यवाद देंगे। राधा यादव ये बहना यहाँ आ जाएं, राधा यादव यहाँ आ जाएं। हमारे भैया को हम लाडली बहनाओं की तरफ से धन्यवाद और राम राम भैया, आपने जो हम बहनन को 3,000 रुपया दिए हैं और राखी को तोहफा दाओ है, वो तोहफा मिला के हम बहनन ने भैया अपने लाने सिलाई मशीनें खरीद ली हैं, उसे हम लोग अपने रोजी ना के 100-200 रुपया कमा लेते हैं भैया, उके लाने हम सब बहने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं भैया और राम राजा की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे भैया। बहुत बहुत राधा जी, अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण एवं प्रभारी जिला निवाड़ी। स्वागत उद्बोधन के लिए सनम्र आग्रह, जोरदार तालियों से माननीय जी का स्वागत, वंदन अभिनंदन। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोले राम राजा सरकार की। आज इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रकल्प कि जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, उसकी आधारशिला भूमि पूजन आज हुआ है। उत्साह इतना होना चाहिए कि आवाज ओरछा से जाकर अयोध्या तक पहुंचे। एक बार प्रेम से फिर कहेंगे, बोले राम राजा सरकार की। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ना कभी ऐसा हुआ था, और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज यदि नहीं होते तो आगे भी यह शायद कभी संभव नहीं हो पाता। इस ऐतिहासिक अवसर के प्रणेता, उस प्रकल्प की कल्पना करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे सहपाठी जो आपके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे हमारे वीरेन भाई, इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल जैन जी, प्रतिपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिषपाल जी, टीकमगढ़ से हमारे सभी विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी सहित हमारी भारतीय जनता पार्टी के निवाड़ी के जिलाध्यक्ष सम्मान अयाची जी, टीकमगढ़ के जिलाध्यक्ष जी, और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मेरे सभी कार्यकर्ता और नेता बंधु, पदाधिकारी बंधु और सम्मुख उपस्थित सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए गोपाल भार्गव का दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम है, नमस्कार है। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद है। मित्रों, आज राम राजा सरकार के उस अद्भुत लोक का भूमि पूजन हुआ है जिसकी कल्पना शायद मैंने भी और आप सभी ने कभी नहीं की होगी। महाकाल लोक का आपने लोग नाम सुना होगा, महाकाल लोक के आपने उज्जैन जाके दर्शन किए होंगे, उसी तर्ज पर वैसा ही यह हमारा राम राजा लोक का आज
भूमि पूजन हुआ है, जो अगले वर्ष तक आप सभी लोगों के लिए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रणाम करने के लिए और एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जानने के लिए यह स्थान आपके लिए मिला। यह बुंदेलखंड की प्रगति में, बुंदेलखंड की तरक्की में, यहाँ पर्यटन के विकास में मैं मानता हूं कि शायद यह सबसे बड़ा यह स्थान साबित होगा जहां देश नहीं बल्कि विदेश के पर्यटक अभी भी आते हैं, लेकिन आगे जाके विदेशों के पर्यटक भी यहां पर अपना मुकम्मल स्थान, यहां पर अपना डेस्टिनेशन करेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री के लिए अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उसे आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाई साहब, यह तीर्थस्थली ऐसी है कि जहां वास्तव में राम राजा सरकार के साक्षात कभी जब हम देखते अनुभूति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान सीधे यहीं पर बैठे हुए, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी भक्ति भाव के साथ में हमारे बुंदेलखंड में थोड़ा सा आर्थिक रूप से, तुलनात्मक रूप से थोड़ी कमी है, लेकिन आस्था के मामले में बुंदेलखंडवासी कहीं भी कम नहीं है। आज हमें राम राजा का आशीर्वाद मिले, हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद मिले और आप सब लोगों के माध्यम से ही मिले, क्योंकि ऐसे लोग बनाने की कल्पना कभी नहीं की थी। विस्तृत ब्यौरा मुख्यमंत्री जी आपके लिए देंगे, लेकिन आज सुर हो, नर हो, मुनि हो, किन्नर हो, कोई भी हो, सभी आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं इस नए प्रकल्प के लिए। और ये जब तैयार होगा उस दिन भी, जैसे आज आप सभी लोग आए हैं, उस दिन के लिए भी आप आमंत्रित रहेंगे जब शिवराज जी के कर कमलों के द्वारा यही लोग जो है आपके लिए समर्पित होगा। एक बार पुनः कहेंगे, बोलो राजा रामचंद्र की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भारत सरकार, कि वे यहाँ आकर अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का, माननीय मंत्री। बोलिए राम राजा सरकार की। राम राजा सरकार की। राम राजा लोक के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमानी शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री वरिष्ठ विधायक श्रीमानी गोपाल भार्गव जी, हमारे विधायकगण श्रीमानी अनिल जैन जी, शिवपाल यादव जी, हरिशंकर खटीक जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष, सभी जन प्रतिनिधिगण और यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमानी शिवराज सिंह चौहान जी ने लाड़ली बहना नाम से जिनको संबोधित किया है, ऐसी हमारी क्षेत्र की सारी लाड़ली बहनाएं, हमारे नौजवान साथियों, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बंधु, आज ओरछा, निवाड़ी जिले के ओरछा का बहुत ही गौरवशाली दिन है, बल्कि यो कहना चाहिए कि आज ओरछा के लिए दीपावली से कम नहीं है। आने वाले समय में आज का दिन समय के हस्ताक्षर के रूप में सदैव सभी याद किया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमानी शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले उज्जैन के महाकाल लोक और हम हमारे राम राजा लोक के निर्माण की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाया है, ये बुंदेलखंड के धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन विकास की दृष्टि से आने वाले समय में इस क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाने में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण की बात हो, सोमनाथ मंदिर की बात हो, केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, जहां जनता के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई,
भाई धार्मिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए जो कदम सम्मानी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं सुबह बिहार से लौट के आया हूं, अभी मैं 5 दिन में बिहार के दौरे पर था। कल झंझारपुर लोकसभा के बेलमोहन गांव में था। उस बेलमोहन गांव में बहुत बड़ी संख्या में वहां पर माताएं बहने गांव के नौजवान वहां पर नागरिक उपस्थित थे। जब लाडली बहना की गूंज वहां पर बिहार तक पहुंची, बिहार की बहनों ने कहा कि बिहार की बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने कहा जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानी शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे मध्य प्रदेश में बहनों के लिए लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है, बिहार की बहनों के लिए भी लाडली बहना जैसी योजना वहां पर भी आएगी। अभी पिछले दिनों जाबा के कुछ लोग बंधु आए थे। जाबा कभी हमारे पूर्वज यहां से गए थे, हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार की यात्रा लेकर वहां गए थे। बड़ी मात्रा में जाबा, सुमात्रा, कंबोडेशिया, इंडोनेशिया, वहां पर दुनिया के सबसे बड़े अंगकोट मंदिर वहां पर है। और उस जावा में जब महाभारत, दूसरी वाली महाभारत बनी, उस महाभारत के पात्र जब जावा में गए, उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए इतनी बड़ी भीड़ वहां पर एकत्रित होती थी। हमारे जावा का जो हमारा मुख्य जो अर्जुन बना था, जावा की जो फिल्मी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी थी, उसने हमारे भारत के महाभारत के सीरियल के उसे अर्जुन नाम के नायक से वहां पर शादी कर ली। और आज हमारे महाभारत के पात्र वहां पर जावा में जाते हैं तो पूरी जावा के लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। फुटबॉल का गेम चल रहा था, फुटबॉल पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उसकी टीआरपी 6.8% और महाभारत सीरियल वहां पर टीवी पर दिखाया जा रहा था, तो सारे लोग जैसे हमारे जब रामायण महाभारत का प्रसारण होता था, सारा काम बंद करके महाभारत का सीरियल देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। जावा में वही दृश्य बनता है कि जब वहां महाभारत का सीरियल का वहां प्रसारण किया गया तो उसका लोकप्रियता का टीआरपी 8.2% पहुंच गया। और आसपास के अनेक 50-60 देश के लगभग 60% लोग जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए थे, आज वापस पुनः हिंदू धर्म की ओर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां उज्जैन में महाकाल लोक, और वहां आज मध्य प्रदेश के हमारे प्राण प्रिय रामराजा सरकार के मंदिर का रामराजा लोक निर्माण करके जो शिलान्यास का कार्यक्रम आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में हुआ है, मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को बुंदेलखंड की पूरी जनता की ओर से, सभी माताओं बहनों की ओर से कोटि कोटि उनका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, एक और जहां लाडली बहनों के कल्याण के लिए आपके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें करने का जो आपके द्वारा घोषणा की गई, इस सब के कारण समाज में एक विश्वास का भाव आपके नेतृत्व के प्रति जागृत हुआ है। और ये लाडली बहनें पूरे बहने में, पूरे प्रदेश में एक ही संदेश दे रही हैं कि भैया तुम आगे बढ़ो, आने वाले समय में फिर से मध्य प्रदेश का नेतृत्व करो, ताकि बहनों के कल्याण के लिए और भाइयों बहनों के कल्याण के लिए ये योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से ऐसे ही निरंतरता से मिलती रहे। एक बार पुनः मैं सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी का आभार और धन्यवाद करता हुआ, क्योंकि मैं तो आपके बीच का हूं, आता रहूंगा, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में आए हैं, मैं चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन, उनका उद्बोधन हम सभी को मिलने के, सुनने के लिए मिले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हकर कमलों से बहने 6 करोड़ का चेक लेंगी, और जो उनको बहनों को दे रहे हैं उनके भैया, सीसीएल के चेक का वितरण होगा। अपने भैया को राखी बंधाई का उन्होंने दिया है, और साथ ही पात्र हितग्राहियों को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उन्हें चेक देंगे। सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ लाडली बहना योजना की हितग्राही रेनू तोमर, जिन्हें 1,000 रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। साथ ही हैं कृतिका सिंह गौर, लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही हैं, इन्हें भी स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। साथ ही कमलेश अहिरवार, पूजा अहिरवार, लक्ष्मी प्रजापति, सीता यादव, स्व सहायता समूह सीसीएल के हैं, ये भी यहाँ पर मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से पात्र हितग्राही अपना लाभ ले। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के तहत राम प्रकाश प्रजापति, इन्हें ट्रक की दी जा रही है, इन्हें 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृति, इन्हें ट्रक की डमी के तौर पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं राम प्रकाश प्रजापति।
मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना के तहत शैलेंद्र बर्मन इन्हें 8,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना के तहत स्तुति बिरथरे को स्कूटी की चाबी दी जा रही है। साथ ही हेमंत झरखड़िया जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत चेक दिया जा रहा है। अमित नायक और अब हो गया चेक वितरण सब हो गया। बोलिए राम रजा सरकार की। अरे जरा पीछे तक से आवाज आना चाहिए। आज का दिन मध्य प्रदेश बुंदेलखंड और ओरछा के सौभाग्य सूर्य का उदय हो रहा है मेरे बहनों और भाइयों। राम रजा लोक बनने वाला है तो मेरे साथ बोलिए राम रजा सरकार की। अचरू माता की। मेरे सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की, जग व्यापक श्री राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है सयन अयोध्या वास। हमारे राम रजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। और दिन में जो राम रजा हमारे यहां रहते हैं उनके लिए अब राम रजा लोक उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु सो दशरथ अजर बिहारी। उनकी कृपा आप सब पे बरसे। इस अद्भुत कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, अत्यंत वरिष्ठ और सम्मानीय नेता श्री पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे वीरेंद्र जी, अखिलेश अयाची जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अनिल जैन जी विधायक निवाड़ी, शिशुपाल जी विधायक पृथ्वीपुर, हमारे मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष सरोज जी, भाई मुकेश जी, रोहन जी, मंगेश जी, पवन जी, गणेशी लाल जी, ओम प्रकाश जी, पांडे जी, नंदराम जी, नंदकिशोर जी, ब्रजकिशोर जी। अब चूंकि समय कम है, मुझे नीमच जाना है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण और भगवान के सभी भक्त बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। जान राम सेवा सरस, समझ करब अनुमान, न जाने आज कितने जीवन के पुण्यों का उदय हुआ है कि आज हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि राम रजा जो हमारे आराध्य है, अरे राम हमारे प्राण है, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश जाना नहीं जा सकता। राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण और राम हमारे भगवान हैं। बोलिए राम रजा सरकार की। और वो राम आज सबसे पहले मैं कुंवर गणेश, रानी गणेश कुमारी जी को, रानी गणेश कुंवर जी को प्रणाम करता हूँ, राजा मधुकर शाह को प्रणाम करता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, ये रानी गणेश कुंवर थी, कुंवर गणेश, जिनने अयोध्या से भगवान राम को यहाँ लाने का संकल्प लिया था। एक बार उनके पति थे मधुकर शाह जी, शायद 1524 की बात है, आज से 700-800 साल पहले की, तब वृंदावन जाने की बात कही थी। तो राजा बोले रानी से कि अगर भगवान में तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो जाओ अयोध्या और राम भगवान को यहीं ले आओ। रानी ने तय किया, रानी गणेश कुंवर जी ने, कि मैं अयोध्या जाऊंगी और भगवान राम को लेके आऊंगी। और रानी चल पड़ी अयोध्या। अयोध्या पहुंची और सरयू के किनारे
सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे भगवान राम से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज बचा लो, मेरे साथ अयोध्या से ओरछा चलो। 7 दिन हो गए, 7 दिन, लेकिन भगवान राम दिखे नहीं, भगवान राम ने सुनी नहीं। तो कहते हैं 7वें दिन रानी ने सरयू में कहा कि अब बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, प्राण त्याग दूंगी। ये कह के रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी, लेकिन छलांग न लगाते ही कहते भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में आके बैठ गए कि माँ मैं आ गया तेरे पास। रानी गदगद हो गई, जोर से ताली बजाओ। रानी की गोद में स्वयं भगवान राम आके बैठ गए बाल रूप में। फिर रानी बोली, मेरे साथ लला राम रजा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा ओरछा। तो भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी 3 शर्तें हैं। तो रानी बोली, बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी। तो भगवान राम बोले, मैं जहां जाऊंगा वहां और कोई राजा नहीं रहेगा, राजा केवल मैं रहूंगा, मैं राम राजा रहूंगा और कोई राजा वहां नहीं होगा। तो रानी ने कहा मंजूर, ओरछा के राजा केवल भगवान राम होंगे। और दूसरी शर्त भगवान ने रखी कि मैं केवल पैदल जाऊंगा, पैदल, हिम्मत हो रानी तो चलो मेरे साथ पैदल, और वो भी पुष्य नक्षत्र में जाऊंगा, पुष्य नक्षत्र में। तो रानी बोली मंजूर है भगवान, 8 महीना 28 दिन, कितने 8 महीना 28 दिन रानी पैदल चलती रही और पैदल भगवान राम को लेके चली वहां से। तीसरी शर्त भी बताई भगवान राम ने कि एक बार जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं, वहां से मैं उठूंगा नहीं। रानी बोली तीनों शर्त मंजूर, मैं पैदल लेके जाऊंगी, वहां तुम्हारे अलावा कोई दूसरा राजा नहीं होगा, और एक बार कहीं बैठ गए तो वहां से उठना मत भगवान, लेकिन चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम। और राम भगवान चल दिए रानी के साथ ओरछा। यहां राजा को पता चल गया, मधुकर शाह जी को, कि भगवान को लेकर रानी आ रही है, तो उनका महल बनाओ जल्दी जल्दी, भगवान का अच्छा मंदिर बनाओ। तो यहां चतुर्भुज मंदिर बना, चतुर्भुज, ये सोच के कि राम आएंगे तो इस मंदिर में विराजेंगे। अब रानी वहां से लेकर चली, 8 महीना 28 दिन के बाद जब ओरछा आई तो सोचा अभी भगवान को कहां स्थापित करूं, कहां ठहराऊं। तो रानी की रसोई थी, तो रानी ने सोचा भी तो यहीं रख देते हैं, बाद में फिर चतुर्भुज मंदिर ले चलेंगे। तो भगवान राम रजा जहां है ना, वो रानी की रसोई थी, रसोई वहां रानी ने ले जाके भगवान की स्थापना कर दी, और सोचा बाद में बड़े महल में ले जाऊंगी चतुर्भुज मंदिर। और जब मंदिर तैयार हो गया तो बहुत कोशिश करी कि चलो बड़े मंदिर, चलो बड़े मंदिर, लेकिन रामलला ने कह दिया था राम राजा ने कि एक बार बैठ जाऊंगा तो उठूंगा नहीं, अब मैं नहीं जाने वाला, अब मैं नहीं जाने वाला, अब तो मैं यही रहूंगा। और तब से सब लोगों ने मान लिया कि भगवान राम अब दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और तब से ये ओरछा में राम रजा विराजे हैं, हम सब पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और उनके दर्शन करके हम धन्य हो रहे हैं। बोलो राम रजा सरकार की। आज राम रजा सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर, और मैंने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो, फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है, और यहाँ राम रजा के दरबार में भी। मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ,
कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। और मैं भी वहां पूजन करके आ रहा हूं, आप सबसे भी मैं अपील कर रहा हूं, अपने अपने गांव में आज कल में आप भी पूजन करके भगवान से प्रार्थना करो कि जल की वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। अकाल ना आए मेरे भगवान, मेरी जनता को राहत दे दो, मेरी जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कृपा कर दो मेरे राम, ये कृपा कर दो, ये मेरी प्रार्थना है। बोलो सब अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करोगे? सब जोर से बताओ अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करेंगे? हम सब पूजा करेंगे, लेकिन एक बात और सुन लेना, हम पूजा भी करेंगे लेकिन मैं कर्म भी करूंगा, मैं कर्म भी करूंगा। मेरे किसान भाइयों, अभी नहीं बेटा, ये नीचे रख दो, मैं भाव भरे हृदय से बोल रहा हूं, बाद में डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल, ये राम रजा लोक का भूमि पूजन है। सुनो किसान भाइयों और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत, राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरु मैया से भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत, तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। जो करना पड़े करेंगे, कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाएं, पानी जरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है, तो बिजली की खपत बढ़ गई, 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी जैसे मिलेगी मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सके, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रात को जाकर फिर मैं मीटिंग करूंगा, और दूसरे भगवान की कृपा रहेगी, अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से, कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा। इस समय मुझे और कुछ नहीं दिख रहा सिवाय इसके, किस अकाल से कैसे निपटा जाए, इस संकट से कैसे, संकट से कैसे निपटा जाए। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत लगा के आपकी सेवा करेगी मेरे बहनों और भाइयों, कि आपको इस संकट से निकाल के ले जाएं। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत है भगवान राम और अद्भुत है उनकी भक्ति। कई बार जब भक्ति में डूबते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भगवान है, उनका अस्तित्व है, उनकी कृपा बरसती है, बस सच्चे मन से उनकी भक्ति, सच्चे मन से उनकी भक्ति करना चाहिए। और भक्त कैसे होना चाहिए? जैसे भक्त बजरंग बली, जैसे हनुमान जी एक बार सीता मैया का दरबार, भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, अंगद, नल, नील, जामवंत, शत्रुघ्न, दुविध सब बैठे थे। अचानक सीता जी दरबार में बोली कि वैसे तो मुझे सभी भक्त बहुत प्यारे हैं, सभी पुत्र मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं है, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं है। और यह कह के सीता मैया ने अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी और बोली, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये अयोध्या की सबसे कीमती माला बजरंग मैं तुझे भेंट कर रही हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी, माला तोड़ के माला का एक गुरिया निकाला, मोती, मोती तोड़ा,
देखा फेंक दिया, फिर दूसरा मोती निकाला तोड़ा देखा फेंक दिया, तीसरा मोती निकाला तोड़ा देखा फेंक दिया। अब दरबार चकित हो गया कि बजरंगबली ये क्या कर रहे हैं, हनुमान जी ने इतने प्रेम से मोती की माला दी है, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे हैं बजरंग। सीता जी बोली, बेटा बजरंग, इतने प्रेम से मैंने मोती की माला तुझे दी, तू तोड़ क्यों रहा है, बात क्या है। तो बजरंग कहने लगे, मैया तुम भी झूठ बोलती हो। तो सीता जी ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला बेटा। बोले बेटा, बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ बेटा, अब भी कह रही हूँ ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, मैया अब भी झूठ बोल रही है, अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान राम रहते हो, मेरी मैया सीता रहती हो, ये मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूँ, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई देते हैं और ना कहीं मैया सीता दिखाई देती है, इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तोड़ तोड़ के फेंक रही हूँ। एक दरबार में उठ के खड़े हो गए, बोले तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो। बोले हाँ। तो बोले अपने शरीर से प्यार करते हो कि नहीं। बजरंग बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो बोले बताओ राम और सीता तुम्हारे शरीर में कहाँ हैं। तो कहते हैं बजरंग ने भरे दरबार में सीना चीर दिया और पूरी दुनिया ने देखा राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे, बजरंग के हृदय में विराजमान थे। ये होती है भक्ति, कैसे राम राजा की भक्ति करना। मेरी लाडली बहनाओ चिंता मत करना, तुम पे भी राम की कृपा हुई है। मेरी बहनों तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं रहने दूंगा। ये औरत जात, ये स्त्रियां, ये मेरी बहनें क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है, क्या केवल रोने के लिए पैदा हुई है, क्या ये अपनी सारी जिंदगी कष्ट और तकलीफ में गुजारने के लिए पैदा हुई है। नहीं मेरी बहनों, नहीं, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे हिस्सों में भी तो खुशियां आनी चाहिए। और इसलिए योजना कई बनाई लेकिन एक योजना भी बनाई, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इसलिए लाडली बहना योजना, सीधे 1,000 रुपया मेरी बहन के खाते में डालना शुरू किया। आप ईमानदारी से बताओ बहनों, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं। बहनों बोल के बताओ जरा, जोर से भाई पूछ रहा है, बताओ अच्छी है कि नहीं, जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं। केवल पैसा नहीं है ये, बहनों का सम्मान है। मेरी बहनों तुम्हारे भाई की तरफ से बहनों का सम्मान है, क्योंकि पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है, पैसा हमारी समस्या हल करता है, पैसा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। बताओ पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है कि नहीं रहती, अरे बोल के बताओ हिम्मत रहती कि नहीं रहती। देंगे बच्चों को सामान दिला देंगे, कोई काम धंधा, अरे कई बहनों ने सिलाई मशीन खरीद ली, कोई ने सब्जी की दुकान लगा ली, कोई और काम में लग गई, अलग अलग बहनें अलग अलग काम कर रही है। मेरी बहनों आपने देखा होगा जब से पैसा आना शुरू हुआ है तो परिवार में और इज्जत बढ़ गई होगी। अब तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू रुपया आ गए कि नहीं आए, और ये भी कहती होगी अब बहू की रोटी में घी चुपड़ दो भैया, 1,000 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए। ये हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारी समस्याएं हल हुई है। और बहनों भाई ने तुम्हारे प्यार का कर्जा उतारा है। मैं शायद इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना कि अपनी बहनों की जिंदगी बदल दूं, उनकी जिंदगी बदल दूं। और ये केवल 1,000 नहीं, राखी के पहले 250 रुपया मैंने भेजे थे, सबको मिल गए क्या, 250 रुपया भी आ गए। और अब 10 तारीख को, कौन सी तारीख को, 10 तारीख को फिर ग्वालियर से सब बहनों के खाते में फिर 1,000 रुपया डालूंगा। अपने अपने गांव में 1 बजे इकट्ठे होके फिर अपने भैया को सुनना। और अब हर महीने अक्टूबर से 1,250 रुपया हर महीना दिए जाएंगे। मेरी बहनों
1250 रुपया। अरे जोर से ताली बजाओ ऐसे थोड़ी, बोलो आज तक कोई ने दिए थे क्या? अरे बहनों को आज तक कोई ने पैसा दिए थे क्या? ये तुम्हारा भाई है शिवराज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सुनो, यहीं नहीं रुकूंगा, 1250 से बढ़ा के फिर करूंगा। कितने करूंगा? अरे कितने करूंगा? 1500 करूंगा। पैसे का फिर इंतजाम हो जाएगा तो 1500 से बढ़ा के फिर 2000 करेंगे, और इंतजाम करके 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? तो जोर से बोलो ना, डरा काय को रही हो। कितने करूंगा? 3000 करूंगा, ताकि मेरी बहनें सुखी हो सकें, अच्छी जिंदगी जी सकें। और सुनो मेरी बहन, भगवान राम रजा की कृपा से ये पैसा तो आएगा ही, लेकिन हर बहन की आमदनी हर महीना बढ़ के कम से कम 10000 रुपया करने की कोशिश करूंगा। आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें हाथ उठाओ जरा। सुनो मेरी बहनों, मेरी आजीविका मिशन की बहनों, मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, जो बहनें शामिल नहीं है वो शामिल हो जाएं स्वयं सहायता समूह में। आजीविका मिशन में कई नए नए काम शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले तय किया कि टोल टैक्स पे पैसा वसूलने का काम भी कई जगह बहनें करेंगी, और अगर वो 1,00,000 वसूलेंगी तो 30,000 रुपया उनके समूह को मिल जाएगा, 1,00,00,000 वसूलेंगी तो 30,00,000 रुपया मिल जाएगा। ये गोपाल भार्गव बैठे, अभी टोल टैक्स वाला हमने फैसला किया है। ऐसे कई तरह की चीजें करके बहन की आमदनी करेंगे 10,000 रुपया महीना, आपकी जिंदगी आनंद और प्रसन्नता से भर जाए, मेरी बहनों सुख से भर जाए, बेटा बेटी पढ़े लिखे, आप इज्जत से जिए। और इसलिए हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई किसी बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। शराब के हाथ सारे बंद कर दिए, और किसान भाइयों बाकी काम तो करेंगे ही, लेकिन हर महीना अब 1000 किसान के भी आएंगे, हर 2 महीना में, पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। अरे ऐसी सरकार देखिए, बहना को भी 12,000 साल में, उनके तो बढ़ते रहेंगे, किसान को भी 12,000। और मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैन और बेतवा जुड़ेगी तो बुंदेलखंड के हर खेत में पानी आएगा, किसान भाइयों फसलें लहलाएगी, तेजी से उस दिशा में काम चल रहा है। बदलना है आपकी जिंदगी, बदलना है बुंदेलखंड, और इसलिए चाहे बेटा बेटी की पढ़ाई हो, अभी बेटियों को बेटों को मैंने स्कूटी दी, लैपटॉप देता हूं, कांग्रेस ने यह सब योजना बंद कर दी थी, आज उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी। बेटी की शादी करवाता था उसके पैसे नहीं दिए, बच्चों को लैपटॉप देता था वो बंद करवा दिए, बेटा बेटी को साइकिल देता था वो बंद करवा दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाता था वो बंद कर दी। मेरे भाई और बहनों, मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू, अभी तक रेल से ले जाते थे, लेकिन अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, मेरे बुजुर्गों हवाई जहाज से भी तीर्थ जाओगे। ये अपनी सरकार है, आज राम रजा लोक के शिलान्यास के दिन मैं आनंद से भरा हूं, उत्साह से भरा हूं, एक अद्भुत लोक बन रहा है। राम जी की बड़ी कृपा है सचमुच में कि ये सौभाग्य हमारे हाथों को मिला है, ये राम रजा लोक, परलोक तो सुधारे गई, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे विश्वास उसको बढ़ाएगा। राम रजा लोक में भगवान राम की बाल लीलाओं का चित्रण होगा। अभी 2.8 एकड़ में
अब ये बढ़ के पूरे 8 एकड़ में बनेगा राम रजा लोक, पूरे 8 एकड़ में अलग अलग तरह की गैलरी बनेगी, म्यूरल्स के माध्यम से भगवान राम की लीलाओं को दर्शाने का काम होगा। एक नजर जरा मारो क्या क्या काम होंगे यहां पे रामलला के मंदिर में, राम रजा के मंदिर में। यहां पे ये 12 एकड़ में, 8 में नहीं, 12 एकड़ में श्री राम रजा लोक बनेगा। प्रवेश द्वार भव्य होगा, दरबारा गलियारे से होकर जाएंगे, बालकांड प्रांगण एक होगा जिसमें भगवान राम की बाल लीलाएं पूरी की पूरी चित्रित की जाएंगे। एक उत्तरकांड प्रांगण होगा जिसमें भगवान राम के राजा रूप को कथाओं के माध्यम से दर्शाया जाएगा। राजा भोग पाकशाला का, राजभोग पाकशाला का निर्माण होगा, दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं अलग अलग बनाई जाएंगी और इतना भव्य बनाया जाएगा कि कुल मिला के इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग अलग अलग यहां और बाहर हमारे पूरे ओरछा के विकास में लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। सारे टेंडर हो गए, जल्दी काम शुरू होगा और हमारी कोशिश है राम रजा लोग जल्दी बन के तैयार हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, हम पूरे ओरछा को अभी सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। हम ओरछा में एक नहीं अनेकों चीजें बना रहे हैं। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट का भी यूनेस्को ने चयन किया है, उसके अंतर्गत भी काम होगा। यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण स्मारक है उनका सौंदर्यकरण होगा, उनका संरक्षण होगा, सभी मंदिरों में भव्य लाइटिंग होगी, सौंदर्यकरण होगा, कंचन और तुलसी घाट का भी सौंदर्यकरण होगा। और एक बात और बता दूं, अलग अलग 70 एकड़ में चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, छतरियां, तुलसी घाट, इन सब का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और एक बात और सुन ले, जो दुकानदार ये सोचते हैं कि राम रजा लोक बनेगा तो हमारा क्या होगा, अरे चिंता मत करो मेरे भाइयों, राम रजा सबको सुख और आनंद देंगे, दुकानें बना के दी जाएंगी दुकानें, आप चिंता मत करना। और एक बात मैं बता रहा हूं, महाकाल महालोक जब से बना है रोज 2 लाख आ रहे हैं, 2 लाख लोग उज्जैन में, 2 लाख लोग रोज, और सोमवार के दिन और छुट्टी के दिन 2.5 लाख, 3 लाख, अरे 2 महीने ही में लगभग 2 करोड़ लोग आ गए राम महाकाल महाराज के दर्शन करने, लगभग 2 करोड़। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण वो आए तो टैक्सी चली, बसें चली, होटल चली, रिसोर्ट चले, फल की दुकान चली, फूल की दुकान चली, प्रसाद बना और हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल गया। 3000 करोड़ रुपया उज्जैन की इकोनॉमी में आया है। उज्जैन बदल गया, उज्जैन बदल गया महालोक महाकाल महालोक के कारण, और ओरछा बदलेगा राम रजा लोक के कारण। मेरे बहनों और भाइयों, ओरछा बदलेगा राम रजा लोक के कारण, और इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है, भगवान राम की कृपा हुई है कि यह भव्य लोक हमारी धरती पर बनने वाला है। बोलो राम रजा लोक बन रहा है तो सब खुश हैं, अरे जोर से बताओ सब खुश हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा, राम रजा लोक के साथ ऐसा राम राज आ जाए। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा राम राज आ जाए ये हमारी कोशिश है। जब यहाँ आया हूँ तो आज दोनों विधानसभा के हमारे विधायक मित्रों ने, बीरेन जी ने कुछ चीजें और कही है, तरीचर कला को शायद नगर परिषद बनाने की बात उन्होंने जो कुछ लिख कर दिया है वो मैं कर दूंगा के, लेकिन आज ये बड़े उत्सव का दिन है इसलिए छोटी मोटी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। अचरू माता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी 2 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिए गए हैं, अचरू मैया का मंदिर भी बनेगा। तो आ मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलके ये संकल्प करें कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में डूबे रहेंगे
और राम राज बना रहे, राम राजा की कृपा बनी रहे, इसके लिए भी हम प्रयास करते रहेंगे। और भगवान से भी आशीर्वाद मांग रहा हूं और भैया तुमसे भी आशीर्वाद मांग रहा है। बोलो सब भाई बहनों को आशीर्वाद मिलेगा, जोर से बोलो मिलेगा। तो बोलो भारत माता की, राम राजा सरकार की। और यहां की जनता से फिर कह रहा हूं कि भगवान की कृपा रहेगी, लेकिन सूखे उखे से डरने की जरूरत नहीं है, हर परिस्थिति का मिलकर मुकाबला करेंगे। मैं साथ हूं आपके, हम और आप मिलके हर संकट में से निकल जाएंगे। बहनों और भाइयों बोलिए राम राजा सरकार की, पवन सुत हनुमान की। अब एक भजन गाना है भाई, एक भजन गाऊंगा, आप सब भी मेरे साथ गाएंगे। बोलो तैयार हो? अरे सब बताओ ना भैया, गाना वाना नहीं आता, फटा बांस से गला, लेकिन राम राजा लोग बन रहा है, इसलिए आओ भगवान राम की थोड़ी भक्ति कर ले। बचपन में मैंने मेरे गांव में भजन सुना था, राम भजन सुखदाई जपोरे मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। आओ मिलके वो ही गाते हैं, फिर ये कार्यक्रम खत्म होगा। तैयार हो? अरे राम भजन सुखदाई जपोरे मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई जपो मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई जपोरी मेरी माई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई जपो मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की, राम राजा सरकार की। भजन में लगातार तालियां आपकी। अरे ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई जपोरे मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। पानी लगत गल जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई जपोरी मेरी माई ये जीवन दो दिन का। राम जपोरे मेरी माई ये जो दिन दो दिन का। कागज की नैया ये जीवन है, कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी मिलत बह जाए मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। पानी मिलत बह जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सबको मिलकर के गाना है साथ में भगवान श्री राम का भजन कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोले श्यामर राम चंद्र जी पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की भारत माता की गौ माता की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो हर हर महादेव माननीय बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद जल जीवन मिशन परियोजना का लोकार्पण एक क्लिक के माध्यम से माननीय हमारे मेरी बहनों करेंगे जल जीवन मिशन मतलब निवाड़ी जिले में हर गांव में पीने का पानी अब हैंडपंप से नहीं हर घर पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के देंगे ताकि टोटी खोलो तो झर झर पानी आ जाए और गुंड गगरा सब भरा जाए हैंडपंप की खटर खटर से बच जाए अपने घर में ही पानी आ जाए तो बेटी और बहनों को बड़ी परेशानी से निजात मिल जाए। और आज मैं उस जल जीवन मिशन का यहाँ से लोकार्पण कर रहा हूँ। निवाड़ी जिले के हर गांव में सभी घरों में नल लग गए हैं, कोई रह गए हो तो अभी देख लेंगे, और सब घरों में पीने का पानी अब टोटी वाले नल से दिया जाएगा, उसी का आज मैं लोकार्पण कर रहा हूं। क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन मिशन निवाड़ी भारतीय समाज में पेयजल की पूर्ति महिलाओं और घर की बेटियों पर निर्भर होती है, जिसके कारण वे मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर थी। इस समस्या से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भली भांति परिचित थे और उनका सपना हर व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाने का था। इसी संकल्प के तहत जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध जल नल के माध्यम से हर घर को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा बुंदेलखंड में पानी के संकट से ग्रसित निवाड़ी जिले को 3 समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जिले की कुल 136 ग्राम पंचायतों के 253 ग्रामों में निवासरत 3,94,982 जनसंख्या के 55,645 परिवारों को 100% हर घर जल नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है। कौन गांव की हैं आप? कौन जिला?
पहले पानी कहाँ से लाते थे? पानी बहुत दूर से परेशान कर रहे हैं, हम तो परेशान पानी। राज निवाड़ी को बुंदेलखंड का प्रथम एवं मध्य प्रदेश का द्वितीय हर घर जल जिला होने की उपलब्धि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय से आत्मीय निवेदन की श्री राम बुंदेली शाह। भूमि पूजन कार्य का अनावरण एक क्लिक के माध्यम से करें। श्री रामचार लोक का भूमि पूजन कार्य का अनावरण एक क्लिक के माध्यम से करते हुए हमारे जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। बुंदेली शासकों द्वारा 16वीं शताब्दी में बसाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने आज श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन एवं जल जीवन मिशन परियोजना का लोकार्पण किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ओरछा वासियों की तरफ से। अयोध्या, जी हाँ, मध्य प्रदेश में हमारा जो ओरछा है वो हमारी दूसरी अयोध्या है। 143,45,00,000 रुपए की लागत से श्री राम राजा लोक एवं 6 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन आपने किया। माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोपाल भार्गव जी से निवेदन है कि राम दरबार की कांस्य प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें और यहाँ हमारे जो श्री राम राजा लोक का भूमि और जल जीवन मिशन परियोजना का लोकार्पण हुआ उसके लिए उन्हें धन्यवाद करें। बहुत बहुत आभार, बेहद बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे ओरछा जिला निवाड़ी में आज इस महोत्सव का आगाज हुआ, आज इस विकास पर्व में एक बहुत ही आनंददायी। हेलो, ये दुकान के साथ साथ मकान भी कहीं विस्थापित होंगे तो पूरा उनका प्रबंध किया जाएगा। पंडित गोपाल भार्गव ने भी आपसे चर्चा की थी, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। बहुत ही आभार आपका। राम नाम से मंगल हो, सभी पापों से सबका कल्याण होगा। यहाँ भगवान राम विराजमान होंगे और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बुंदेलखंड के अयोध्या के नाम से यहाँ पर एक स्वर्ग का अवतरण होगा। श्री राम राजा लोक के विषय में जानकारी दूं, 81 करोड़ की लागत से श्री राम राजा मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। श्री राम राजा लोक का विकास कार्य किया जाएगा। 12 एकड़ क्षेत्र में श्री राम राजा लोक विकसित किया जाएगा। श्री राम राजा लोक का प्रारंभ प्रवेश द्वार पर भव्य दरबार गलियारे से होगा और लोक का विकास दो भागों में किया जाएगा। बालकांड प्रांगण में श्री राम जी की बाल लीलाओं से प्रेरित यहां प्रांगण बनाया जाएगा। उत्तरकांड चित्र प्रस्तुतियों में प्रदर्शित की जाएगी। श्री राम भगवान का राजा रूप में कथाओं के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। राजभोग पाकशाला का विकास तथा प्लाजा भी दर्शनार्थियों के लिए यहां पर विकसित किया जाएगा। मंदिर के सामने चौक शॉपिंग प्लाजा की तरह विकसित होगा। सुव्यवस्थित दुकानों का निर्माण कार्य भी यहां किया जाएगा। 19,72,00,000 की लागत से ओरछा के महत्वपूर्ण स्मारकों का संरक्षण, पर्यटकों हेतु सुविधाओं का विकास, 70 एकड़ के क्षेत्रफल में स्मारकों का संरक्षण, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, छत्रिया, तुलसी घाट के आसपास के स्मारकों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी ओरछा की धर्म प्रेमी जनता का। आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत सादर बधाई, साधुवाद।